अलगपन दूर करने के तरीके। नंबर वन, उबाले से। नंबर टू, क्लार का तरीका। उबाले से, जब पानी में सल्फर मौजूद होता है तो इसको उबालने से इसमें मौजूद बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाते हैं। CaHCO3 ये पानी में मौजूद बाइकार्बोनेट्स हैं, जब हम इनको उबालेंगे तो ये CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 यानी ये कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाते हैं। क्लार का तरीका, क्लार के तरीके में पानी में जो सख्त पानी होता है उसमें चूने आधे सख्त पानी जो होता है उसमें चूने की थोड़ी सी मिकदार डाल दी जाती है, जिसकी वजह से पानी का सख्तपन खत्म हो जाता है। CaHCO3 होल्ड वाइज प्लस CaOH टू आफ्टर रिएक्शन, यानी के बाइकार्बोनेट्स वाले पानी में जब हम चूने की थोड़ी सी मिकदार डालते हैं तो ये पानी से आधे सख्तपन को दूर कर देता है। सख्तपन की किस्म, आर्जी सख्त पानी, भारी सख्त पानी। आर्जी सख्त पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं और ये नमकियात पानी में हल पजीर होते हैं और हल पजीरी के बाद ये इनमें आयंस की शक्ल में मौजूद रहते हैं। भारी सख्त पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मौजूद होते हैं और ये नमकियात हल पजीर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये सख्त पान की वजह बनते हैं। मुस्तकिल सख्त पान दूर करने के तरीके, धोबी सोडे के साथ तामुल, आयन एक्सचेंज का तरीका। धोबी सोडा पानी में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम के प्लस Na2CO3 आफ्टर रिएक्शन CaCO3 प्लस Na2SO4 यानी के धोबी सोडा पानी में मौजूद नहल पजीर नमकियात में तब्दील कर देता है। आयन एक्सचेंज का तरीका, आर्जी या मुस्तकिल सख्तपन को दूर करने के लिए आयन एक्सचेंज का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक आयन को दूसरे आयन से तब्दील कर दिया जाता है। साबुन का ज्यादा खर्च, पाइप फाड़ देना, निजाम को खराब करना। जब हम हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए भारी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह ज्यादा साबुन खर्च होता है। इसी तरह बहाव पानी के साथ चलने वाले इंजन और स्टीम इंजन और टरबाइन में जब सख्त पानी में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयंस होते हैं वो उनके दीवारों के साथ जम जाते हैं तो इस तरह ईंधन भी ज़्यादा खर्च होता है और पाइप फटने का भी अंदेशा होता है। नंबर थ्री, सख्त पानी को ज़्यादा देर इस्तेमाल करने से निज़ाम खराब हो जाता है। एक दफ़ा फिर सख्त पानी के नुकसान पर नज़र डालते हैं। नंबर वन, साबुन का ज़्यादा खर्च। नंबर टू, पाइप फाड़ देना। नंबर थ्री, निज़ाम को खराब करना। नमकश मलबा, ऐसे मलबा जो खुले फिजा में से पानी जब्त कर लेते हैं नमकश मलबा कहलाते हैं। नमकश मलबा, अगर ऐसे मलबा बहुत हों तो
तो ये महलूल की शक्ल इख्तियार नहीं करते बल्कि नमकश हो जाते हैं। इनकी मिसालें कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और अनबुझा चूना है। नमकश मरकबात की मिसालें कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और अनबुझा चूना है। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और अनबुझा चूना। पानी की क्वालिटी, पानी हैवानात और पानी तमाम जानदारों की जिंदगी का लाजमी जुज है और इसका साफ होना बहुत जरूरी है। पानी में जो कसाफतें हो सकती हैं इनमें रंगदार मादे और इसमें बहुत से और दूसरा मादे शामिल हो सकते हैं, जिन इनमें बहुत से नमकियात सोडियम क्लोराइड के अलावा सिलिका, अलमुनिया भी शामिल हो सकते हैं। पानी को साफ करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका इसको उबालने का है। इसको 15 से 30 मिनट तक उबालने से इसमें मौजूद बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। पानी को साफ करने का बेहतरीन तरीका है इसको उबालें। इसको उबालने से इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं और पानी में क्लोरीन गैस का से के मिला देने से भी इसमें मौजूद बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। और इसके साथ ही क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन और पानी खत्म होता है।